हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, ये सारे हम जानने वाले हैं। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट कहता है कि इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, यानी ये किसी नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का बाइनरी फॉर्म में, याद रखना बाइनरी फॉर्म में किसी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एक नंबर लेता हूँ एक नंबर मैंने ए ले लिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसका कम्प्लीमेंट लूँ तो कम्प्लीमेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, माइनस फॉर्म को, तो आप माइनस ए में लिख देते हैं तो ये इसका कम्प्लीमेंट हो जाता है। अब एक बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होगा, तो इसके लिए हम इसके कुछ चाइल्ड टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वंस कम्प्लीमेंट, टू कम्प्लीमेंट जैसे फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो मेनली आप समझ गए हैं कि कम्प्लीमेंट क्या है, कि एक मेथड है जो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर को इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में बता दिया। अब इसके मैं यूज की बात करूँ तो यूज कहता है इसका मेनली यूज सब्ट्रैक्शन मेथड में किया जाता है और एंड अदर लॉजिकल ऑपरेशन में कर सकते हैं आप। लेकिन आप बोलेंगे कि सर हमारे पास तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल है ही, तो हम कम्प्लीमेंट का यूज करके क्यों ऐसा करते हैं। वो इसलिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं ए माइनस बी लिख दूँ, तो आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेथड जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो सिंपली आप इसका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कम्प्लीमेंट एक अलग मेथड देता है जिससे आप सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको पता है इस केस में ये पॉजिटिव वैल्यू ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का लगा है, लेकिन आप इसे इस फॉर्म में भी करके आंसर दे सकते हैं। अगर मैं लिख दूं a प्लस माइनस बी के फॉर्म में, तो अब यहाँ देखिएगा ये भी आंसर सेम देगा, लेकिन अब हमने क्या किया कि b जो एक वैल्यू थी उसे मैंने कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया। यही तो कम्प्लीमेंट का मेन मेथड होता है। हाँ, इसके बाद आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो क्लियर हो गया कि इसका मेनली यूज सब्ट्रैक्शन मेथड में किया जाता है। अब ये जो कोड होता है, जब हम किसी नंबर नेगेटिव नंबर का बाइनरी फॉर्म लिखते हैं, तो याद रखिए कि वो नॉन वेटेड होता है। बात क्लियर नहीं हुई तो ऐसे समझते हैं। अगर मैं प्लस 5 का बाइनरी लिखूं 0101, तो आपको पता है ये वेटेड कोड है। क्यों वेटेड करने का मतलब, इसके हर एक पोजिशन का अपना अपना वेट होता है। इस तरह से ऑलरेडी मैंने वेटेड कोड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस के वीडियो में चेक कर लीजिए आप। अगर इसी को मैं माइनस फॉर्म कम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखूं, तो अगर मैं वंस कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करता हूं, तो आंसर होगा 1010 के फॉर्म में। लेकिन अब आप बोलेंगे क्या सर अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये नॉन वेटेड होता है। जैसे आप इसे कम्प्लीमेंट के बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कम्प्लीमेंट के जो फॉर्म होते हैं वो नॉन वेटेड होता है। ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। क्लियर होगी बात। ये तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि कैसे हमने एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव के बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन आपके पास एक सवाल होगा, आप बोलेंगे क्या सर यही एक मेथड है जिससे हम किसी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। आपके पास एक दूसरा भी तरीका है जिसको बोला जाता है साइन मैग्नीट्यूड। आप साइन मैग्नीट्यूड का भी इस्तेमाल करके आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए जो रूल यूज किया जाता है, जीरो को यहाँ पर पॉजिटिव बीट के रूप में माना जाता है और वन को यहाँ पे नेगेटिव बीट के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर है कैसे, तो जरा ध्यान समझना। मैं अगर प्लस 5 को लिखूँ तो आप क्या लिखेंगे, 0 4-bit कोड में लिखता हूँ तो 101, ठीक है। तो इस केस में जो ये जीरो है यही साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं माइनस 5 लिखना चाहूँ, तो रूल कहता है साइन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आप अगर नेगेटिव करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 ले लेंगे और बाकी वैल्यू आप सेम रखेंगे और ये इसका साइन बिट है। क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि साइन मैग्नीट्यूड हमेशा MSB में लगाई जाती है। क्लियर है, ये हमारा MSB का फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसके एक छोटा सा डिमेरिट है, वो क्या है जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इसके फॉर्म की बात करूं, जब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर सब जब साइन मैग्नीट्यूड से हम चीज़ों को कन्वर्ट कर ही रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में, तो व्हाई वी आर यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, नॉर्मल सा सवाल है। तो इसका आंसर है कि ये नॉट कन्वीनियंट होता है और नॉट प्रॉपरली यूज होता है।
कहने का मतलब है इसका यूज आप हर एक जगह नहीं कर सकते, कुछ टर्म्स में तो इजी होता है, बाकी बहुत सारे ऐसे टर्म्स में जहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। कैसे इसे चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लस सिक्स और प्लस फोर का ऑपरेशन करूँ मैं साइन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कि प्लस सिक्स का बाइनरी क्या होता है, 0110। अगर मैं 4 का लिखूं तो 0100, ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड में, तो इससे हमारा आंसर क्या होता, अगर डेसिमल में जोड़ता 10। अगर इसी चीज़ को अगर मैं बाइनरी में करके देखता तो 01110 कैरी 1, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब तक तो सही है साइन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, लेकिन इसी फॉर्म को अगर मैं ज़्यादा ध्यान से देखिएगा नेगेटिव करने की कोशिश करूँ, यानी सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, ये देखिएगा तो ये क्या होता 0110, लेकिन इसका नेगेटिव फॉर्म में यूज करूँ तो जरा ध्यान से देखना ये हो जाएगा 1100। क्यों? क्योंकि माइनस फोर का साइन मैग्नीट्यूड में हम 1 लेंगे, बाकी वैल्यू रिमेनिंग सेम रखेंगे। अब इस केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 2, लेकिन जैसे मैंने इसके साथ ऑपरेशन किया तो ये हो गया 0111011101। अब इस वैल्यू को देखिए तो अब ये 2 को रिप्रेजेंट नहीं करता है और साइन मैग्नीट्यूड यहीं पे वॉयलेशन हो जाता है इसका। क्लियर है? तो इसी चीज को सुधारने के लिए हम कंप्लीमेंट का यूज करते हैं। कंप्लीमेंट के थ्रू मैं इसको ही सॉल्व करके दिखा देता हूं कि कैसे कंप्लीमेंट से सही होता है। अगर मैं कंप्लीमेंट का यूज करूं तो यहां देखना 0110, अब मुझे माइनस फोर लेना है तो 4 का आपके पास क्या होता है कि 0100। अगर मैं माइनस वन के कंप्लीमेंट का यूज करें, और दो अभी पढ़ने वाले थोड़ी देर में, तो इसका आंसर होगा ये 1011। तो माइनस फोर के लिए मैंने यहां लिख दिया 1011। क्लियर है? अब आपको इसके रूल से अगर मैं आंसर निकालूं तो जरा ध्यान से देखना ये वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 2। अगर मैं यहाँ पे एडिशन लगाऊं तो ये 1110 फिर कैरी 110 फिर कैरी 110 कैरी 1 ये आया। अब वंस कंप्लीमेंट के सब्ट्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग अगर कैरी जनरेट होता है तो उसे इसके LSB में ऐड कर दिया जाता है। जैसे मैंने LSB में ऐड किया इस 1 को यहाँ से यहाँ लाकर, तो ये जो हो गया 0 कैरी 1, बाकी वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है, ये भी 2 रिप्रेजेंट करता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है जिसके कारण हम साइन मैग्नीट्यूड का यूज सभी जगह यूज नहीं कर पाते, ऑल्दो कुछ टर्म में करते हैं, लेकिन कंप्लीमेंट का यूज आप इजीली कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आप समझ में आया कि क्यों कंप्लीमेंट, साइन कंप्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड और कंप्लीमेंट के बीच डिफरेंस क्या है। क्लियर है? तो अब आपने इसके कंप्लीमेंट के बारे में डिटेल में समझा। अब इसके दो फॉर्म वंस कंप्लीमेंट और 2 कंप्लीमेंट के बारे में देखते हैं। देखिए अगर मैं वंस कंप्लीमेंट की बात करूं तो वंस कंप्लीमेंट भी हमारे पास एक मेथड है, यानी कि अगर मैं वंस कंप्लीमेंट की बात करूं तो यह भी क्या है, एक मेथड है, क्योंकि कंप्लीमेंट का ही तो एक टाइप है या चाइल्ड बोल सकते हैं। इसका भी यूज क्या है, टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स, किसी नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। समझ में आ गया? अब आइए आगे। अब इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, इसमें रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ये होता है कि आप 0 को 1 से कन्वर्ट कर लीजिए, जितने भी 0 उसको 1 में चेंज कर लीजिए और 1 को आप 0 में चेंज कर लीजिए, ये हमारा रूल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूँ कि जैसे मैं प्लस 5 की बात ले लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है बाइनरी फॉर्म में 1010101। अगर मैं वंस कंप्लीमेंट के फॉर्म में अगर इसे लिखना चाहूँ तो ये माइनस 5 को रिप्रेजेंट कर देगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 को कन्वर्ट करो 1 में, 1 को करो 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, तो ये इसका कंप्लीमेंट फॉर्म में आंसर बन जाएगा। तो कैसे समझ में आया कि कैसे हम नेगेटिव नंबर का बाइनरी फॉर्म क्रिएट करते हैं वंस कंप्लीमेंट पे। इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स का कंप्लीमेंट लिखा है, और दो क्या है अभी हम इसे समझेंगे। यानी अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू ले लेता हूँ जो 1100101 ये ले लिया, अगर मैं इसका वंस कंप्लीमेंट की बात करूँ तो कुछ नहीं करना, सिंपली आप 01 को 0 कर लीजिए बाकियों को और 0 को 1 कर दीजिए, हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा, ये हमारा वंस कंप्लीमेंट में आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसका यूज क्या है, तो यूज अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब यहाँ देखिएगा इसके अगर हम रेंज की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो रेंज होता है ये रेंज होता है प्लस 2 to the power n minus 1 तक। क्लियर है? इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में लेके चलेंगे तो आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ n बिट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? आप कोई भी बिट ले सकते हैं, समझा, कोई बिट ले, जैसे मैं कि 4 बिट का इस्तेमाल करूँ, एन की वैल्यू 4, तो आप इसे करके देखिए प्लस 2 to the power 4 माइनस 1
टू माइनस टू टू पावर फोर माइनस वन इस तरह से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टू टू पावर थ्री माइनस वन टू माइनस टू टू पावर थ्री। तो आगे करें तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी प्लस सेवन टू एट माइनस एट तक। तो यानी यहाँ पर रेंज जो है उसके ये फार्मूला होता है जिसमें प्लस टू टू पावर एन माइनस वन टू माइनस वन टू माइनस टू टू पावर एन माइनस वन तक। और उसी फॉर्मूले पे इसी रेंज पे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखाया है आपको कि कैसे वंस कंप्लीमेंट को चेंज करते हैं और दो थोड़ी देर में टूज कंप्लीमेंट भी देखेंगे। अब यहाँ पे चाहो तो आप सेवन बिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवन बिट के जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस प्लस सिक्सटी फोर टू माइनस सिक्सटी फोर माइनस प्लस सिक्सटी थ्री टू प्लस सिक्सटी फोर तक चला जाएगा। तो आप सेवन बिट सिक्स बिट फाइव बिट जिसका भी मर्जी हो यूज कर सकते हैं लेकिन इस रेंज के फार्मूले के साथ। क्लियर हुआ कि वंस कंप्लीमेंट क्या है? तो वंस कंप्लीमेंट हमारे पास नेगेटिव नंबर को बाइनरी फॉर्म में बदलने का एक तरीका हो गया। अब इसी के साथ अगर मैं टूज कंप्लीमेंट की बात करूं तो देखते हैं इसे। इसका सेकेंड फॉर्म है हमारे पास जो है टूज कंप्लीमेंट। टूज कंप्लीमेंट क्या है कि ये भी एक मेथड है टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर। जैसे वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है एज इट इज टूज कंप्लीमेंट भी सेम नंबर को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैसे तो चेक करते हैं। तो इसका रूल क्या कहता है कि आप पहले वंस कंप्लीमेंट निकालिए और इसके साथ प्लस वन कर लीजिए इसके एलएसबी बिट में। ध्यान में रखिएगा ये वाला इसका फार्मूला होता है टूज कंप्लीमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लस फाइव की ही बात करूँ तो ये देखने का जीरो वन जीरो वन होता है। आप इसको नेगेटिव फॉर्म में लाने के लिए वंस कंप्लीमेंट का यूज कर सकते हैं माइनस फाइव के टर्म्स में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा अगर वंस कंप्लीमेंट में लिखूँ तो ये हो जाएगा वन जीरो वन जीरो। ये तो तरीका है ही माइनस फाइव को लिखने का लेकिन आप चाहो तो इसको टूज कंप्लीमेंट में भी लिख सकते हैं। तो टूज कंप्लीमेंट क्या कहता है कि आप पहले वंस कंप्लीमेंट निकालिए और वंस कंप्लीमेंट के साथ आप यहाँ पे प्लस वन कर लीजिए इसके एलएसबी बिट के साथ। तो जैसे एलएसबी बिट के साथ किया तो ये हो जाएगा वन ये होगा वन जीरो वन तो हमारा आंसर होगा वन जीरो वन वन। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये भी आपके पास माइनस फाइव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये भी माइनस फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी फाइव माइनस फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन दोनों में मेथड अलग है। एक में मैंने वंस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया तो दूसरे में टूज कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया। और आप दोनों का यूज करके सब्ट्रैक्शन का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसी पे बेस पे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। मैं चार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा आपको रेंज आपको मैंने अभी दिखाया था कि प्लस सेवन से लेकर माइनस एट तक जाता है तो मैंने उसी वैल्यू को यहाँ पे लगभग लिखा है। ठीक है? अगर मैं प्लस की बात करूँ साइन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग तो आपको पता है सेवन की वैल्यू क्या होती है ट्रिपल वन ये कुछ है। लेकिन अगर साइन मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसमें फोर्थ बीट में आप जीरो का इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने फोर्थ बीट कोड में लिखा है। सिक्स का इस्तेमाल करें तो वन वन जीरो होता है ये इसका साइन बीट है टिल जीरो तक यहाँ तक। ठीक है? लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसी नंबर को साइन मैग्नीट्यूड से निगेटिव बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके पास जैसे वन का इतनी वैल्यू तो हमें लिखनी है साइन मैग्नीट्यूड को हमेशा एमएसबी बिट के साथ जोड़ते हैं तो वहां पे मैंने वन कर दिया एज इट इज टू का किया थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। क्लियर है? तो ये सारे नंबर भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इनमें से जैसे फाइव को साइन मैग्नीट्यूड से इस तरह से रिप्रेजेंट किया वंस कंप्लीमेंट को इस तरह से और टूज कंप्लीमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी बात? अब मैं वंस कंप्लीमेंट की बात करूं तो जरा ध्यान से समझना कि वंस कंप्लीमेंट हमेशा नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये तो सारे पॉजिटिव नंबर है जीरो से सेवन टू लेके जीरो तक। तो पॉजिटिव नंबर का अगर आप वंस कंप्लीमेंट बनाते हैं तो वो सेम ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। चाहे आप इसका वंस कंप्लीमेंट बनाएं या फिर इसका टूज कंप्लीमेंट बताएं कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तीनों चीज़ हमारे इसके सेम होते हैं। समझ में आ गया? तो क्योंकि वंस कंप्लीमेंट हमेशा नेगेटिव नंबर के बाइनरी फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए होता है ना कि पॉजिटिव का। एज इट इज अगर मैं माइनस वन की अगर मैं बात करूं अब तो अब इसका आप वंस और टूज दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर मैं वंस की बात करूं तो वन क्या कहता है कि अगर मैं वंस कंप्लीमेंट की बात करूं तो कहता है कि वन का जो बाइनरी फॉर्म है उसका कंप्लीमेंट ले लीजिए। तो वन का बाइनरी फॉर्म क्या है? यही है। इसका कंप्लीमेंट लें तो क्या होता? यहाँ जीरो वन 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 वही चीज़ तो है यहाँ पर। समझ में? और इसी का अगर मैं टूज कंप्लीमेंट लेता तो आपको पता है कि माइनस वन का आपने निकाला है वन 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 जीरो, ये वंस कंप्लीमेंट है। टूज कंप्लीमेंट के लिए प्लस वन कर लें तो आंसर हो जाता है वन 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 वन। तो वही चीज़ यहाँ पे निकाला है। एज इट इज उसी प्रोसेस से करते हुए मैंने सेवन तक का आपको चार्ट यहाँ पे शो किया है। क्लियर है? तो ये हमारा वंस कंप्लीमेंट टूज कंप्लीमेंट का आंसर हो गया। लेकिन आप बोलेंगे कि सर कोई भी टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या हमें इतना प्रोसेस करने की जरूरत है? तो नहीं, यहाँ पर भी एक रिलेशन है।
अब वो रिलेशन को आप ट्रिक मान लीजिए या इसका मेथड मान लीजिए, तो उसी चीज़ को बता रहा हूँ मैं, उससे भी आंसर बहुत इजी वे में निकल जाएगा। अब ये ट्रिक और मेथड क्या है, तो इसे पहले समझ के करते हैं। समझने में अगर मैं बात करूँ तो रूल कहता है क्या कि यहाँ पे बाइनरी नंबर, किसी भी बाइनरी नंबर और टूज कॉम्प्लीमेंट में एक रिलेशन होता है। यहाँ पे देखना रिलेशन क्या होता है, इसे चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं कोई एक बाइनरी नंबर ले लेता हूँ, सिक्स का बाइनरी नंबर लेंगे तो आपका 0110 होता है। और इसी का अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट में नो प्रॉब्लम, टूज कॉम्प्लीमेंट अगर लेता हूँ तो ये -6 को रिप्रेजेंट के अकॉर्डिंग करें तो -6 के यहाँ दे रहा, ध्यान से देखिए क्या है, ये कहता है 1010। क्लियर है? तो अब इसको हम दोनों में अगर देखें कि इन दोनों में क्या रिलेशन, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला 2 बिट अगर लैब LSB से बात करें, राइट हैंड साइड से ईस्ट साइड से बात करें, तो यहाँ देखिएगा पहला 2 बिट बिल्कुल सेम है, लेकिन लास्ट के दो बीट है, ये वाला 2 बीट, ये 2 बीट अपने आप में रिवर्सिबल फॉर्म में है। अगर आपको इससे डाउट है तो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे कि मैं +4 की बात करूँ तो +4 का क्या होता है बाइनरी, 0100। अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट अगर मैं -4 की बात करूँ तो जरा ध्यान से देखिए क्या है, ये है 1100। क्लियर है? अब इन तीनों दोनों को फिर से वापस चेक कीजिए। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहा हूँ तो यहाँ तक और यहाँ तक की वैल्यू सेम है, और बाकी ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये रिवर्सिबल फॉर्म में है, ये रिवर्स हो गया, और यहाँ पर भी ये देखना रिवर्स हो गया, बाकी चीज़ सेम है। तो यहीं से एक रिलेशन बन के तैयार होता है कि रिलेशन क्या कहता है, वो देखिएगा बाइनरी और टूज कॉम्प्लीमेंट में, कि अगर आप जब भी LSB से मूव करते हैं या फिर राइट हैंड साइड से मूव करते हैं, तो आप तब तक इस वैल्यू को सेम रखो जब तक कि पहला 1 बिट ना मिल जाए, फर्स्ट 1 बिट ना मिल जाए तब तक इस वैल्यू को आप सेम रखेंगे। वही चीज़ है, जैसे गए जहाँ तक मुझे 1 मिला है वहाँ तक की वैल्यू को मैंने सेम रखा है, इसका मतलब सेम है, यहाँ रिवर्स है। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि LSB से जैसे मूव किया तो यहाँ तक की वैल्यू, जब तक फर्स्ट वन बीट नहीं मिल जाता है तब तक की वैल्यू आप सेम रखते हैं, ये देखना सेम है, बाकी के वैल्यू को हम रिवर्स कर देते हैं। वही चीज़ कहता है रूल, क्या बन गया कि हम LSB से मूव करेंगे बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग, कि LSB से मूव करेंगे बाइनरी नंबर के साथ, जब तक पहला बिट फर्स्ट बिट 1 नहीं मिल जाता उसकी वैल्यू को सेम रखेंगे, बाकी के टर्म्स को हम MSB को लेकर इसको रिवर्स कर देंगे, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे 1 जो है ये इस 1 को इंक्लूड करते हुए। क्लियर है? अब हमें इसे करके दिखाता हूँ, ये तो हमने थ्योरी देखी, अब इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के करके देखते हैं। मैं इस वाले को देख लिया, जैसे कि मैं 7 का ले लेता हूँ। देखिएगा 7 की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू बाइनरी क्या होती है, 0111। क्लियर? अगर मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट चाहता हूँ तो रूल क्या कहता है, आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव कीजिए और पहला बिट तक 1 बिट तक सारे वैल्यू को सेम रखेंगे। यहाँ मूव किया ये तो पहला ही 1 आ गया, यानी यहाँ तक की वैल्यू को सेम रखेंगे। उसके बाद जो बाकी के ये जो वैल्यू है इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे यहाँ पर, यानी ये 001। तो अब इसका देखिए तो मैच करके 1001 आ गया। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ जिसका बाइनरी फॉर्म 100100 है। क्लियर है? मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मैं टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखूँ, तो अब इसे वंस करके +1 करने से अच्छा है कि यहाँ पे इस वाले रिलेशन का इस्तेमाल करें। रूल क्या कहता है कि आप LSB से मूव करेंगे और पहले 1 बिट तक, जब तक फर्स्ट यू बिट नहीं आ जाता वहाँ तक की वैल्यू को सेम रखेंगे। रख दिया, बाकी के वैल्यू को यहाँ तक हमने सेम रखा, बाकी को रिवर्स कर दीजिए, यानी यहाँ हो जाएगा 1100 हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं तो करके देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसी का अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 0110011 यही होगा। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखिए, +1 कर दूं मैं, 110 फिर 110 फिर यहाँ कैरी 1 फिर 110, जरा मैच कीजिए तो सेम है, 0111100 0111100 मैच आ गया।
तो अब आप इस रिलेशन का भी इस्तेमाल करके ये इस तरह के चार्ट बना सकते हैं, यानी किसी भी नंबर का टूज कंप्लीमेंट बना सकते हैं। तो ये आपने वंस और टूज कंप्लीमेंट का पूरा डिटेल में पढ़ा। अब इसका हम यूज करके देखते हैं कि कैसे वंस और कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट का यूज सबट्रैक्शन में करते हैं। तो यूज देखते हैं, अब देखिएगा जरा, अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका यूज दो फॉर्म में किया जाता है। पहला किया जाता है विद कैरी के साथ, दूसरा होता है विदाउट कैरी। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास विद कैरी और विदाउट कैरी होता है। अब विद कैरी के साथ मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जरा ध्यान से समझना कि जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं और लिख दिया कि मुझे 12-10 करना है by using ones complement। Although आप binary subtraction का यूज कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको ones complement से करूं तो देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास आता है कि नहीं। अगर मैं प्लस 12 की बात करूं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1100। ठीक है, एज इट इज अगर मैं प्लस टेन की बात करूं तो उसकी वैल्यू binary form क्या होता है, 1010। क्लियर है, लेकिन हमें ones complement इस्तेमाल करना है किसका, माइनस टेन का। क्यों, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 12-10। तो यहाँ तो माइनस टेन की बाइनरी फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए हम वंस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वंस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0101। ये कुछ होगा, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 0101 में। अब आपके पास इसको एडिशन का फॉर्म लगा देना है। अब जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा 1, ये हो जाएगा 0110, यहाँ हो गया कैरी 110 और 1। तो अब जब आपके पास कैरी जनरेट होता है, यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास कैरी आ गया, क्लियर, तब रूल कहता है कि अगर आप वंस कंप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं और विद कैरी यानी कैरी अगर जनरेट होता है, इस कैरी को इसके एलएसबी के साथ ऐड कर देते हैं। क्लियर है, अब यहाँ देखिएगा इसको करें तो 110 कैरी 1, तो यहाँ 100, और आपको पता है कि अगर डेसिमल फॉर्म में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता तो आंसर 2 जाता, तो यहाँ से भी आंसर 2 आ गया। तो ये पहला यूज है जब हम कंप्लीमेंट का यूज विथ कैरी के साथ करते हैं। अगर कैरी आएगा तो उस कैरी को आप उसके एलएसबी वेट के साथ ऐड कर देंगे और वो हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। अब इसके सेकंड फॉर्म को देखते हैं, जहां पे आप देखेंगे कि अगर कैरी ना आए तो क्या किया जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस केस में एक क्वेश्चन लेता हूं 8-10 और इसको मैं बोल दूं कि वंस कंप्लीमेंट से करके दिखाओ, ठीक, आप एडिटिव टूज कंप्लीमेंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में क्या है कि जैसे बाय द वे मैं यहां पे देखूं तो आप इसको 8-10 के फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं प्लस 8 की बात करूं तो इसका क्या होता है बाइनरी फॉर्म, जरा ध्यान से देखना 1000, और 10 का भी मैंने दिखाया आपको ये होता है 1010, लेकिन हमें कंप्लीमेंट लेना है ये वाला। तो अगर मैं माइनस 10 को वंस कंप्लीमेंट में लूं तो हो जाएगा 0101। अब इसको ऐड कर देते हैं, नॉर्मल फॉर्म में आंसर क्या आना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में -2, लेकिन अब यहां देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1001 और 1। तो अब यहां देखिए क्या ये वैल्यू -2 का है, नहीं। तो अब रूल क्या कहता है कि अब इस केस में आप देखिएगा यहां पे नो कैरी, कोई कैरी नहीं है, कैरी नहीं है, तो अब यहां रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी कैरी जनरेट नहीं होता है तो आप इस वैल्यू को यहां पे जो वैल्यू आता है इसका वंस कंप्लीमेंट ले लेंगे वापिस विथ नेगेटिव साइन। क्लियर है, यानी अगर मैं इसका वंस कंप्लीमेंट लूं तो ये 0010 हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस वैल्यू को ज्यादा कन्वर्ट करूं तो साइन तो माइनस होगा और 10 की वैल्यू क्या होती है, -2, मैच हो गया। तो ये दो तरीका है हमारे पास किस तरह से हम वंस कंप्लीमेंट का यूज सबट्रैक्शन मेथड में करते हैं, या तो कैरी या विदाउट कैरी। क्लियर है, थैंक यू।